हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा मजीद कुमार दास है। दोस्तों ये वीडियो अपनी बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लस आप लोग के डिमांड के वीडियो है। दोस्तों एक्चुअली देखिएगा, आप लोगों के द्वारा कॉमन डिमांड आ रही थी मुझे कि सर ये जो पंचायत सचिव भर्ती है इस पर एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए ताकि हम लोग का कोई भी डाउट ना बचे। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो उस पर ही आधारित है। मैंने एक एक चीज को काफी डिटेल में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करूंगा कि इसके बाद जो है शायद आप लोगों को कोई और डाउट बचेगा भी नहीं, आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ये आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिएगा दोस्तों, अब हम जो है इस पर्टिकुलर पोस्ट यानी कि जो पंचायत सचिव का पोस्ट है इसके संबंध में अब तक सबसे देखिएगा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। इसकी पूरी भर्ती प्रक्रिया और सब कुछ जो है काफी डिटेल में देखेंगे। इसके बता दूं यहाँ पे मैं जितने भी डॉक्यूमेंट सबको साइड में शो करते हुए चलूंगा, सब कुछ एकदम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रहेगा, विभागीय डॉक्यूमेंट रहेगा। मैं इधर उधर के कुछ भी डॉक्यूमेंट आप लोग साझा नहीं करूंगा। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, जो पर्टिकुलर पंचायत सचिव का पोस्ट है ये हाल फिलहाल में काफी लाइमलाइट में है। छात्रों को भी देखिएगा इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर पोस्ट को लेकर काफी बढ़ गया है। इसके पीछे देखिएगा बहुत कॉमन और मेजर रीजन ये भी है कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा Amazon Prime ने एक वेब सीरीज लाया था पंचायत बोल के, इसके दो देखिएगा सीजन बन गए हैं और काफी अच्छा वेब सीरीज है। इसमें पर्टिकुलर एक पंचायत सचिव के कार्य क्या होते हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट सब कुछ दिखाया गया है। तो इसको पर्टिकुलरली देख के छात्रों का रुझान इस पर्टिकुलर पोस्ट लेके काफी बढ़ गया है। छात्र बहुत ज्यादा क्वेरीज करते हैं और रिसेंटली जब देखिएगा न्यूज़पेपर कटिंग आया जिसमें मेंशन किया गया था कि एडीओ की भर्ती प्लस पंचायत सचिव की भर्ती आगे चलकर प्रस्तावित है या आ सकती है, तो छात्र और ज्यादा खुश होकर उत्सुक हो गए इस पर्टिकुलर पोस्ट के डिटेल्स जानने की। तो चलिएगा दोस्तों, अगर मैं छत्तीसगढ़ में जो पंचायत सचिव का पोस्ट है इसकी स्थिति की अगर बात करूं तो देखिएगा आपको पता होगा जो पर्टिकुलर पोस्ट है ये ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग का पोस्ट है। सैलरी वगैरह बहुत सारे छात्र पूछते हैं, मैं बता दूं इसमें भी दो कैटेगरीज होते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो पहला कैटेगरी है ये उन कर्मचारियों का है जिनकी सेवा अवधि जो है वो 15 वर्ष से कम की है। इनको देखिएगा यहाँ पे ग्रेड पे वगैरह क्या मिलता है 1100 का, प्लस सैलरी स्केल जो है इनकी ये है 3500 से 10000 की। जबकि देखिएगा वह कर्मचारी जिनकी जो सेवा अवधि वो 15 वर्ष से अधिक की है उनके देखिए यहाँ पे ग्रेड पे जो है वो 1200 का है, जबकि यहाँ पे सैलरी स्केल जो है इनकी वो भी 3500 से 10000 तक की है। सेकंड में देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है नोट निकल के आता है। एक्चुअली में छत्तीसगढ़ के किसी भी बड़े एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज जो होते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर में सीजीपीएससी कह लू या सीजीवीएम कह लू, इनके द्वारा कभी भी इसकी सीधी भर्ती नहीं ली गई है। जनरली देखिएगा क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली में छत्तीसगढ़ में इस पर्टिकुलर पोस्ट की जो भर्ती है ये पर्टिकुलर किसी जिले के जिला पंचायत के द्वारा लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर में देखिएगा साइड में मैंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर दिया है। देखिएगा ये वर्ष 2018 में जिला पंचायत सूरजपुर में देखिएगा इनके द्वारा पंचायत सचिव के पदों पर भर्ती हेतु जो विज्ञापन जारी किया गया था उसका पीडीएफ है, एकदम ऑफिशियल पीडीएफ है। इसमें सारी डिटेलिंग्स वगैरह रखी गई हैं। देखिएगा यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है उसको मैं आपको सिर्फ बताते हुए चल रहा हूँ, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे। देखिएगा शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम जानकारी पूछते हैं तो यहाँ पे देखिएगा 12वीं पास मिनिमम है, परंतु देखिएगा यदि किसी छात्र के पास ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की डिग्री है तो उसे यहाँ पे प्राथमिकता मिलेगी। ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा जिन भी छात्र के पास है उनको यहाँ पे प्राथमिकता मिलने वाली है, ध्यान रखिएगा। बाकी बेसिक यहाँ पे आपको क्या लगेगा, क्वालिफिकेशन 12वीं पास लगने वाला है। संगे देखिएगा आयुष्मा की बात करें तो यहाँ पे आयुष्मा जो है वो 18 से 35 वर्ष रखी गई है, लेकिन रिसेंटली आपको पता होगा शासन ने जो नया आदेश निकाला है उसके अनुसार जो एक जनरल कैंडिडेट होता है उसको 40 वर्ष तक का एज लिमिट मिलने वाला है, जबकि विभिन्न वर्गों को जो छूट मिलती है सब जोड़ जाड़ के मैक्सिमम 45 वर्ष तक का एज लिमिट आपको मिलेगा यहाँ। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा दिया गया यहाँ पे, अभ्यर्थी को जिस जिले से यह पोस्ट विज्ञापित हुए हैं उस जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। एग्जाम्पल के तौर में देख लीजिएगा बिलासपुर का जिला पंचायत पर्टिकुलरली इस पोस्ट को निकाला है, तो देखिएगा इसके लिए फॉर्म कौन फिल कर पाएगा इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो विज्ञापन निकला है, बिलासपुर जिले का मूल निवासी जो है वही सिर्फ यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, किसी दूसरे जिले का अभ्यर्थी नहीं कर पाएगा, ध्यान रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, जो चौथा और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यानी कि भर्ती प्रक्रिया जिसके बारे में छात्र मोस्टली पूछते हैं उसको मैं डिस्कस कर लूं। एक्चुअली में देखिएगा यहाँ पे उम्मीदवारों के 12वीं में प्राप्त अंकों का 65% अंक लिया जाएगा यहाँ पे। सेकेंडली उच्चतर शैक्षणिक योग्यता जैसे कि स्नातक जो है उनका 3 अंक मिलेगा उनको वहां पे, जबकि स्नातकोत्तर वालों को 5 अंक मिलने वाला है। इसके लिए देखिएगा जो रोजगार सहायक के पद पर कार्य अनुभव रखते हैं उनको भी देखिएगा मैक्सिमम 30 अंकों का यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। कैसे करके मिलेगा ये लाभ, प्रतिवर्ष जो है आपके कार्य अनुभव का
तीन अंक आपको मिलने वाला है, यानी कि प्रत्येक वर्ष आपको तीन तीन अंक मिलेंगे, जिसको जोड़ के 10 वर्षों में मैक्सिमम 30 अंक आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बाकी देखिए दोस्तों, फॉर्म फिलिंग वगैरह का प्रोसेस जो है पूरा ऑफलाइन रहेगा, जिला पंचायत के द्वारा ऑफलाइन फॉर्म जो है जारी किया जाएगा, इसका पूरा फॉर्मेट जारी किया जाएगा, जिसको आपको फिलअप करके पर्टिकुलरली जमा कर देना है। देखिए दोस्तों, अब तक मैंने जो इस पर्टिकुलर पोस्ट की आपको डिटेलिंग वगैरह दी, पॉजिटिव पॉइंट्स वगैरह बताए, लेकिन इस पोस्ट के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जिसको मैं डिस्कस कर लूं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो शासन के समस्त यहाँ पे योजनाएं वगैरह होती हैं, इनको ग्रामीण स्तर पर क्रियान्वित कराने की जिम्मेदारी इन पंचायत सचिवों की होती है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको देखिएगा, अभी तक हमारे प्रदेश में शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है, ये अभी भी अशासकीय कर्मचारी है हमारे छत्तीसगढ़ में। जबकि मैं इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो देखिएगा, सब कुछ वैसे ही है, इनको भी देखिएगा 3 वर्षों की परीक्षा अवधि में रखा जाता है, इनको भी देखिएगा सिलेक्शन के पश्चात ट्रेनिंग दी जाती है, और इनके लिए भी प्रदेश में 3 ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं। तो देखिएगा, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इनको कुछ प्रॉपर जो है शासकीय कर्मचारी का यहाँ पे दर्जा नहीं मिला है, इसको लेकर देखिएगा काफी धरना प्रदर्शन वगैरह भी हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। इसके तो बता दूं, यहाँ पे मैंने जितने भी नोटिफिकेशंस पर चर्चाएं की हैं, इसके अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक को जस्ट क्लिक करिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उन समस्त वीडियो को वहां पर डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारियां जो है मैंने आपके साथ काफी डिटेल में शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो को पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को भी शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।